जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में आज अक्षत कलश यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। अक्षत कलश यात्रा कोटद्वार के घमंडपुर से आरंभ होकर दुर्गापुरी चौराहा होते हुए मावाकोट तक 5 किलोमीटर का सफर तय कर संपन्न हुई। इस यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण भी सम्मिलित हुई। उन्होंने कहा कि आने वाली 22 तारीख को भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर में विराजमान होने की खुशी कोटद्वार में अभी से देखने को मिल रही है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि कोने कोने में अक्षत की कलश यात्रा निकल रही है। कोटद्वार में लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत श्रद्धा के साथ इस कलश यात्रा में भाग ले रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि 22 तारीख को, जैसे आप सब जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर खुलने वाला है, राम दोबारा से अयोध्या लौटने वाले हैं, तो उस खुशी को कोटद्वार भी मना रहा है और धीरे धीरे कोटद्वार राममय होता जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 22 तारीख को जैसे पूरे देश में, वैसे कोटद्वार में भी जबरदस्त दीपावली मनाई जाएगी। इस अवसर पर श्रद्धालु दीपक सिंह रावत ने कहा कि इस कलश यात्रा को लेकर संपूर्ण कोटद्वार राममय हो चुका है। अब सभी लोगों को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। उत्सव हो रहा है, राम जी का भक्तिमय हो रखा है माहौल और लोगों के, राम जी लोगों के दिलों से जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर और आज तक और आगे भी रहेंगे। और जिस प्रकार 500 वर्षों की ये लड़ाई थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, उस हिसाब से आज जब ये हुआ है, अब सक्षम हुए हैं हम कि हाँ, ये मंदिर अब 22 जनवरी को जो इसका प्राण प्रतिष्ठा होगी वहाँ पर, उसके उपलक्ष्य में जगह जगह हर क्षेत्र में इनकी झांकियां निकाली जा रही है, कलश यात्रा निकाली जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है।